नमस्कार, आप सुन रहे हैं आइजम्स पॉडकास्ट। मैं कृति हाजिर हूं आपके साथ एक यात्रा पर ले जाने के लिए। बात एक साल पहले की है, जब मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर कटनी से अपने सपनों को लेकर एक यात्रा पर निकली। यह यात्रा थी सपनों को हकीकत के पंख देने की, अपने सारे ख्वाबों को जीने की। शाम के 6 बजे थे और वो वक्त आ गया था जब घर के आंगन में पांव की छाप छोड़कर जाना था। पहली बार लग रहा था कि काश ट्रेन लेट आए, पर कमबख्त हाजिरी लगाने वक्त पर चल रही थी। घड़ी की सुई भी सरपट भाग रही थी। घर से निकलते वक्त झरोखों के दिए की लौ मनोबल बढ़ा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर घर के बाहर लगा तुलसी का पौधा अपनी जड़ों से बिछड़ने पर बेजान सा था। पर जब सोच ही लिया था तो जाना तो था ही। मैं भी निकल पड़ी उस रास्ते पर जहां मंजिल का तो पता है पर रास्तों की अड़चनों का नहीं, पर विश्वास के साथ जज्बा भी था कुछ कर गुजरने का। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1219 महाकौशल एक्सप्रेस सतना झांसी के रास्ते जबलपुर से आने वाली कुछ ही पलों में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आने वाली है। स्टेशन पहुंचे, ट्रेन आने ही वाली थी। जाते जाते पूरे स्टेशन को नजर भर के देखा और आंखों में समाकर चल गए। जैसे जैसे ट्रेन स्टेशन छोड़ रही थी, बोर्ड पर लिखा कटनी शहर का नाम धुंधला हो रहा था और आंखों से आंसुओं का समंदर उमड़ रहा था। ट्रेन की 63 नंबर की बर्थ पर गुजरा हुआ कल और आने वाले कल के बारे में इत्मीनान से विचार हुआ। 64 नंबर की बर्थ पर पिता की गोदी में बैठी उनकी राजकुमारी में मैं खुद को देख रही थी। कहने को तो वो अनजान थे, पर अपना ही गुजरा हुआ कल दिख रहा था। मेरा दिल घर पर अटका हुआ था, लेकिन रेल के पहिए तो लगातार चलते हुए जा पहुंचे दिल्ली के स्टेशन हजरत निजामुद्दीन। जैसा सुना था, दिल्ली को उससे भी कई गुना पाया। थोड़े डर, थोड़े आत्मविश्वास के साथ दिल्ली में पहला कदम रख दिया। अब बारी थी अपने आंसू पोंछने की। छोटे शहर और बड़े शहर में फर्क असल मायने में तो तब देखा जब मेट्रो की सुनी सुनाई दास्तां असलियत में सामने थी। पर येलो लाइन, मैजेंटा लाइन, ब्लू लाइन सुन सुनकर आत्मविश्वास की रंगोली बेरंग हो रही थी। अपराध है। नया शहर, नए लोग, नया पहनावा, नया रहन सहन, क्या क्या देखूं, क्या समझूं? जिस बात का डर था वही हुआ। उन रंग बिरंगी लाइनों में मैं कहीं गुमसी हो गई। हर रोज की वारदातें सुनते सुनते मन इस कदर डरा हुआ था कि किसी से पूछने पर लगता कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बैग की बाईं तरफ रखी कटनी स्टेशन से खरीदी हुई पानी की बोतल पर अपने शहर का नाम और अपने शहर का पानी भी गंगा जल सा लग रहा था। पर खुद से सोचते समझते सुनते हुए आखिर पहुंच ही गई उस जगह जहां के तौर तरीकों की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। लोगों ने मुझे मेरे पहनावे और बात करने के तरीके से जज करना शुरू कर दिया, पर मैंने भी वक्त के साथ संभलना और खुद को साबित करना सीख लिया। कभी लोग मिले जिन्होंने पीछे खींचने की कोशिश की, तो कभी ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने बढ़ चढ़कर साथ दिया और आगे बढ़ाया। यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे कठिन और लाभप्रद यात्रा थी। इस यात्रा के पश्चात मिलने वाले अनुभव मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी कमाई है। अपने शहर की याद और कामयाब होने के जज्बे के आत्मविश्वास के साथ मैं कृति आपसे विदा लेती हूँ। जल्द लौटूंगी एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आइजम्स पॉडकास्ट।